प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने अभी रिसेंटली एक स्पीच अपनी एक उसमें बोला कि भाई यहाँ उधर यानी इंडिया में कांग्रेस मर रही है और यहाँ पे पाकिस्तान रो रहा है। मजा ये है कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, जरी मुल्क है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, फिर क्या वजह हमें वीट यानी जिसे हम गंदुम कहते हैं वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है कभी यूक्रेन से कभी रशिया से कभी कहीं से। ये बेसिकली देखिए इसकी दो मेजर इशू हैं। जब पाकिस्तान वर्दे वजूद में आया था ये एक जरी कंट्री था, ठीक है, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है। अच्छा, आप कुछ समझदार हैं कि आप किसी भी शहर में चले जाएं, किसी कस्बे, इवन कि आप कस्बे में भी चले जाएं, हाँ। उधर जरी जमीन की इतनी प्लाटिंग हो गई है, ठीक है, सोसाइटी इतनी ज्यादा बन गई है, तो वो सोसाइटी की वजह से हमारा रकबा भी कम हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ज्यादा रकबा है। लेकिन वो एक और मेजर इशू है कि एक हम जो वीट है ये 1 एकड़ अगर आपने ये देखे इधर 15 किलोमीटर बॉर्डर है इंडिया, उधर चले जाए उधर जो आपको 70-80 मन 1 एकड़ दे रहा है इधर वो 35-40 पे क्यों, उसकी क्या वजह है, उसी बेसिकली क्या जमीन में फर्क है, पानी में फर्क है या किसानों में फर्क है? तो रीजन है उसमें एक पानी का भी थोड़ा आ सकता है मामला, को शायद मे भी ये उन्होंने पानी मारा। मेरे ख्याल से उनका एग्रीकल्चर उनका जो सब वो है ना अपना टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और साथ दूसरा ये भी कहेंगे हमने, मैं एक दिन देख रहा था सोशल मीडिया पे ही होता है जो यूट्यूब पे उनके किसानों का, वो गवर्नमेंट उनको बिजली सस्ती देती है, वो तो है, वो उनके जो बीज होते हैं वो हमारी निस्बत उनको ज्यादा अच्छा बीज मिलता है, ठीक है, और किसानों को वो फैसिलिटेट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, जिस वजह से वो किसान जो है ना वो गंदम उगाता है उसकी उसको प्रॉपर प्राइस, और उन्हें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये भी चीज है, वो उल्टा एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए एक मुल्क हमसे 7-8 गुना बड़ा है इसके बावजूद भी वो, और हमारे में ये देखिए अब किसान रुल गया है, ठीक है, अब बेसिकली मुल्क में गंदम बहुत वाफर मौजूद है, वो गंदम इतनी मौजूद है लेकिन कोई उठा नहीं रहा। एक साइड पे हम कह रहे हैं गंदम वाफर मौजूद है, इन दिनों वाकई में वाफर मौजूद है क्योंकि रेट बहुत डाउन चल रहा है, लेकिन कुछ ही टाइम पहले मतलब 3-4 महीने पहले हमने इंपोर्ट कर ली, वो मतलब समझ नहीं आई, वो समझ सबको आ गई है, वो दिहाड़ियां लगा गए हैं, ठीक है, हमारे पॉलिटिक्स नहीं आजाद कबीले वाले, ठीक हो गया, वो फैसल वाडा कहते हैं ना कि हम आजाद कबीले से हैं वो आजाद कबीले वाले दिहाड़ियां लगा गए हैं, ठीक है। अच्छा एक दूसरा क्वेश्चन है, अगर सीधा सीधा मैं आपसे पूछूं, हम पाकिस्तानी है, ठीक है, नेबर कंट्री इंडिया, और डेफिनेटली कोई भी कंट्री हो उसके इर्द गिर्द जोन से भी कंट्री होते हैं उनकी जो पॉलिटिक्स है या उनके जो लीडरशिप है वो बड़ी मैटर करती है कि भाई हाँ नेबर में कौन सी गवर्नमेंट है, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान को कौन सी गवर्नमेंट सूट करती है इंडिया में, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट या कांग्रेस की गवर्नमेंट या कोई और पार्टी, आम आदमी पार्टी या कोई गवर्नमेंट? देखिए गवर्नमेंट कोई भी हो, मैं भी मेरी 37 एज हो गई है, मैं है। देख रहा हूँ तकरीबन 2002 से मैं थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स को समझ रहा हूँ, ठीक है, खबरें वगैरह सुनते हैं। यहाँ लास्ट टाइम जब हमारे इधर वजीर खारजा शाह रेशी थे पीपल पार्टी के दौर में, ठीक है, तो उस वक्त 2008 मेरे ख्याल में उधर कांग्रेस मनमोहन सिंह वजीर थे, तो वो जब वो बंबई अटैक हुआ था तो वो सारा प्रोसेस क्लियर हो गया था। उसके अलावा उसके बाद कोई मेजर इशू नहीं हुआ, मोदी आया था एक दफा इधर शादी पे, लेकिन वो डायलॉग या वामी सतह पे वो कोई रब्ता नहीं हुआ। गवर्नमेंट कोई भी हो, इधर हो या उधर हो, गवर्नमेंट की जो है ना पॉलिसी सही होनी चाहिए दोनों तरफ से, जिसका आवाम को फायदा हो, ऐसा ही है। देखे उधर से भी कुछ लोग चंद लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये चीज आगे बढ़े, अमन प्रोसेस इधर भी होंगे, लेकिन ये कोई प्रॉपर कोई ऐसा लीडर हो जिसकी कोई कमिटमेंट हो, जो अपनी जात का ना सोचे, खित्ते के लोगों का सोचे, हाँ बिल्कुल, और इश्यू को भी साथ लेके चले, वो साथ ये तिजारत भी हो, लोग एक दूसरे से मिले। अब देखे कुछ ऐसे हमारे जो बाबूजी ना है वो माइग्रेट करके इंडिया से आए, ठीक है, कौन से एरिया से? ये मेरे से आए नदौन शहर था कोई ना होशियारपुर के साथ, ठीक हो गया। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।